एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिसनिंग और रीडिंग की शीट पे आंसर्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और जो डाटा एंटर करना है आपको फिल करना है उसको कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले जब आपको शीट मिलती है तो फर्स्ट आपको लिसनिंग की शीट मिलती है, उसमें आपको सबसे ऊपर होता है सेंटर नंबर। सेंटर नंबर आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में बताया जाता है और वो आपकी सीट पे प्रिंटेड वर्जन में स्टिक भी किया होता है। आपने वहाँ सेंटर नंबर डालना है, जैसे कि आपका सेंटर नंबर हो IN020। जो भी आपको सेंटर नंबर बताया जाए या जो भी आपकी सीट पे लिखा हो आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आता है आपका नाम। ध्यान दीजिए, वहाँ पे अनाउंस भी होता है, फिर भी आपको पहले से बता दें कि आपको नेम कैपिटल में लिखना है। अगर आपका नाम दिव्या है तो आप लिख सकते हैं दिव्या इन कैपिटल। अगर आपका नाम रॉबर्ट है तो आप लिख सकते हैं रॉबर्ट। अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम है तो आपको सरनेम भी ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सरनेम है रॉबर्ट स्मिथ, फुल नेम है रॉबर्ट स्मिथ, तो आपका सरनेम भी आपको ऐड करना है पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका नाम है। इसके बाद आता है राइट योर 6-डिजिट कैंडिडेट नंबर। ये कैंडिडेट नंबर आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में ही मिलता है, जो मैं बात कर रही हूँ कि वो आपके डेस्क पे पेस्ट किया होता है ऑलरेडी। वहाँ पे आपका कैंडिडेट नंबर मेंशन होता है जो यूनिक होता है, वो आपको यहाँ पे लिख के फिर उसी के अकॉर्डिंग डार्क करना है। फॉर एग्जांपल, आपका कैंडिडेट नंबर है 620349, तो आपको यहाँ पे इसको शेड करना है 6 2 0 3 4 9, तो आपको 9 शेड करना है। अब आते हैं हम डेट पे। शेड 1 बॉक्स फॉर द डे, 1 फॉर मंथ, 1 फॉर द ईयर। अगर आपका एग्जाम है 2nd March, देन यू हैव टू शेड 2nd, देन मार्च के लिए 3rd, और 2019 के लिए 19 यू हैव टू शेड। यू आर नॉट सपोज टू राइट इन दिस कॉलम, यू आर नॉट सपोज टू राइट हेयर, यू आर नॉट सपोज टू राइट इन द आउटर बॉक्सेस। देयर इज अ लिमिट, यू कैन राइट फ्रॉम दिस टू दिस। द वर्ड लिमिट इज ऑफ 3 वर्ड्स, यू कैन राइट इन साइड। अब हम आपको बताते हैं कि लिसनिंग में ट्रांसफ़र कैसे करना है। लिसनिंग में ट्रांसफ़र करते हुए ध्यान रखें कि आपको सेंटर में लिखना है। वाई वी से यू हैव टू राइट इन सेंटर नॉट ऑन दिस लाइन, इसका कारण ये है कि अगर जैसे आप ई लिख रहे हैं वो इसके ऊपर सम टाइम ये लुक ऐसा देता है कि ये एफ है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सेंटर में लिखना है, ई और एफ इज क्लियर। इसके बाद हम आते हैं जब हम न्यूमेरिक ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लिखना है 2, तो ऐसे लिखने की बजाय, क्योंकि ये OMR शीट है, आपको इसको ऐसे लिखना है। ये करेक्ट तरीका है एक OMR शीट को लिखने का और IELTS में ट्रांसफ़र करने का। इसके बाद हम कहते हैं कि आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करें। उसका रीज़न है, उसका एक रीज़न तो है आपकी इलेजिबल हैंडराइटिंग। अगर किसी कैंडिडेट की हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है तो उसको कैपिटल में लिखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपर लोअर केस में भी लिख सकते हैं, पर अगर आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखना है वर्ड क्लियर और आप लिख रहे हैं क्लियर, ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्लियर लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप यही कैपिटल में लिखते हैं तो भले ही आपकी कैसी भी हैंडराइटिंग हो, इट इज क्लियर दैट इट इज द आंसर इज क्लियर। और दूसरा कारण है कैपिटल का
कि जब आप कोई नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नेम है एना स्मिथ, तो आप एना स्मिथ अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा. दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. यू हैव टू राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल. रादर देन गेटिंग कन्फ्यूज इन विच आंसर, यू हैव टू बी श्योर दैट द वर्ड हैज टू बी इन कैपिटल और लोअर. इट्स बेटर टू प्ले सेफ and write capital for all. And then you have to be careful about your spellings as well as homonyms. For example, the speaker is talking about break in the lecture, and you are writing this break. It will be wrong. The answer is break. So make sure what speaker is talking about. In this, I would like to share more example. For example, there is a bird, root and root. One root is this, the other is this. If they are talking about any map, they are talking about this root. If they are talking about any plant, they are talking about this root. So you make sure you are transferring the answer correctly in the end. And while attempting also, you are writing it correctly. And then we come to the country names. If you are writing Australia, you have to make sure that first letter is capital. If you are writing in upper lower, otherwise it's better to write all capital, because you can get confused in which question or answer you are supposed to write any word in capital or lowercase. So this is all about listening. Make sure you transfer answer correctly. And while transferring, in the last 10 minutes, you are checking or rechecking it whether you are transferring correctly, because in the hurry you can write this break, but in the end you can come to know that they were talking about some lecture, so this cannot be the break. So make sure you transfer it carefully. जब आपकी listening हो जाती है तो invigilator या तो खुद या आपको कहते हैं या खुद कर देते हैं आपकी sheet को change. दूसरी साइड पे आपको रीडिंग करनी होती है. रीडिंग से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ये डाटा फिल करने की. ये आप लिसनिंग से पहले नहीं कर सकते, ये आप रीडिंग से पहले कर सकते हैं. दोबारा से आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको कैंडिडेट नंबर लिखना है, जो भी आपका कैंडिडेट नंबर था 620349. इसके बाद आपको 3-digit लैंग्वेज कोड लिखना होता है, जो भी आपका लैंग्वेज कोड है. जैसे कि किसी का पंजाबी है तो 085, हिंदी है तो 049, तो आप उसी को शेड करेंगे. इसके बाद आपने फीमेल मेल जेंडर पे अगेन शेड करना है. और इसके बाद कौन से मॉड्यूल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एकेडमिक दे रहे हैं तो ये वाला शेड करेंगे, अगर जीटी दे रहे हैं तो ये वाला शेड करेंगे. अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये मार्कर यूज़ है, ये आप इन्हें यहाँ पे या इनके बाहर मार्जिन्स में या कहीं पे भी कुछ नहीं लिखना होता. रीडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है ट्रांसफ़र करते हुए, सबसे पहले जब हम हेडिंग्स ट्रांसफ़र करते हैं तो कई स्टूडेंट्स रोमन्स की बजाय नॉर्मल वर्ड्स में लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आंसर 10 है तो वो 10 लिख देते हैं, अगर आंसर 2 है तो वो 2 लिख देते हैं, जबकि आपको रोमन्स में ही करना है ट्रांसफ़र. इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, तो साथ साथ ट्रांसफ़र करें, चाहे एक पैसेज करने के बाद करें. पर आप ध्यान रखें, जो क्वेश्चन में दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करेंगे, आप अपने आप से चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स में भी कई स्टूडेंट ट्रू को यस लिखाते हैं
और फॉल्स को नो लिखाते हैं. मेक श्योर अगर वो यस है तो ही यस लिखे, ट्रू को यस लिखने से आपका स्कोर जीरो होगा उस क्वेश्चन में. और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नॉट गिवन को एनजी लिखते हैं क्योंकि उनको क्लासरूम से ही हैबिट है एनजी लिखने की. अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है टी एफ और एनजी तो ही आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा ही यूज करना है नॉट गिवन. अगर आप क्लासरूम में भी ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको चेंज करें, नहीं तो एग्जाम में आपको इसका हर जाना देना पड़ सकता है क्योंकि आप एनजी लिखाएंगे और क्वेश्चन का आंसर ठीक होके भी आपका स्कोर उस क्वेश्चन में जीरो रहेगा. और रीडिंग में एक बात और जरूरी है, कई बार आपको समरी दी होती है, नीचे लिखा होता है राइट ए टू एफ और ए के सामने कोई वर्ड लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज. कई स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते या फिर ट्रांसफर करते हुए वो ए की बजाय पूरा आंसर दे आते हैं, जैसे बी के सामने लिखा है पोलन तो उन्होंने यही आंसर लिख दिया जबकि एक्सपेक्टेड आंसर थे ए टू एफ. सो देयर विल बी अगेन जीरो मार्क फॉर दैट. सो मेक श्योर यू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का टाइम नहीं है तो भी जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब ध्यान दें कि कहीं आप ए बी सी वाले आंसर्स में वर्ड्स तो नहीं लिखाएं. और कई बार ये भी हो सकता है कि आप आंसर ऊपर नीचे कर दें, तो मेरा ये आपको सजेशन है काइंडली चेक योर आंसर्स. सारे नहीं चेक कर सकते आप 40 के 40, तो बेटर है आप रेंडम 1, 10, 9, 18, 25 प्लीज़ ये चेक करें कि आपने आंसर सही उतारे हैं. कई बार क्या होता है जैसे आपने 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आपको नहीं आता था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता आपने छोड़ दिया और 13 का आंसर आपने गलती से ट्रांसफ़र करते हुए 12 से लिख दिया, आगे फिर आपने एक आंसर छोड़ा था जिससे आपको पता ही नहीं चला कि ये आपके सारे आंसर एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं और आपके आंसर एक दूसरे के साथ चेंज हो चुके हैं और आपका स्कोर उन सारे क्वेश्चंस में जीरो हो चुका है. तो आप थोड़ा ध्यान से अटेंटिवली और केयरफुली अपने आंसर ट्रांसफ़र करें क्योंकि ये OMR शीट है, इसी पे आपके रीडिंग और लिसनिंग के मार्क्स डिपेंड हैं और इसमें आपको रीमार्किंग या EOR का भी कोई बेनिफिट नहीं रहता क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग है, इसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. तो इसीलिए मेरी सलाह है कि ध्यान से ट्रांसफ़र करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.